सनी सिग्नापुर के एटीएम में भी आया। मैंने यहाँ पे कोशिश देखने की कोशिश की कि यहाँ पे यार लॉक होता है कि नहीं होता है गेट पे, तो मैं दिखाता हूँ आपको, नहीं है लॉक। ये BOI बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है, यहाँ देखते हैं इसके अंदर लॉक है कि नहीं गेट में। कोई भी लॉक नहीं है इसके अंदर, आप देख सकते हो आगे पीछे कोई भी लॉक नहीं है, ना नीचे है ना कोई चटकनी जिसको कहते हैं कुंडी, कुछ भी नहीं है यार। ये चीज़ हमारे अगर कहीं दिल्ली NCR कहीं बाहर की तरफ और शहरों में तो लॉक रहता ही है। इसमें कोई भी चौखट नहीं है, कोई भी चौखट नहीं है, सिर्फ ये स्लाइडिंग डोर है। स्लाइडिंग डोर में आपको मैं दिखा रहा हूँ, और इसमें कोई ऐसा हमारे घरों में जैसे कुंडी होती है वो भी नहीं है कोई। सिर्फ आप यहाँ देखेंगे तो एक इस तरीके से अंदर इसमें सिर्फ की लगा देते हैं, इसमें भी ताला नहीं लगा सकते आप, ताला तो लगता ही नहीं है भैया। इसमें फिर आप ताला भी नहीं लगाते हैं। तो आप देखेंगे अंदर ये दुकान दिखाते हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी, बहुत कीमती दवाइयाँ भी रखी हैं, कुछ सामान भी रखा है यार। और भैया यहाँ के ऑनर हैं तो इनसे भी मैंने पूछा, देखो अंदर की तरफ भी दिखा देता हूँ, डोर पे कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो हम ताला लगा सकते हैं, तो हम ताला बिल्कुल नहीं लगाते इसमें। नहीं तो कोई चोरी का डर, ऐसा कुछ डर नहीं होता हमारे को कि चोरी कर ले जाता तो क्या यहाँ पे सनी बाबा किस तरह से उनको दंड देते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं आप? उसको कुछ भी दंड मिल सकता है उसके कर्म के हिसाब से। इस गांव में आप कब से हैं? बचपन से होगा। इसी गांव के रहने वाले हैं आप, तो यहाँ पे आपने मतलब कभी किसी ने चोरी की कोई ऐसी कहानी, चोरी करने के बाद कोई ऐसा हुआ हो कि भाई उसके साथ परेशानी हुई हो? पुराने जमाने में हुआ है। क्या हुआ पुराने जमाने में? वो अंधा हो गया था चोरी करने के बाद। अच्छा। नहीं तो फिर चोरी करके वो ये गांव की सीमा नहीं लांग सकता, वो इसी गांव में घूमता रहेगा, उसको लगेगा मैं बहुत दूर आ गए हो, इसी गाँव में घूमता रहेगा, ये खासियत। वैसे तो मैं आपको हजारों उदाहरण दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मारने वाला एक दो जगह ही दिखाई मैंने आपको, वो भी मान सकते हैं। वैसे तो मैं भी होटल में भी चलने वाला हूं, तो देखो अगर कोई यहां चोरी करता है तो उसके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, ऐसा भैया ने भी बताया। और ऐसा नहीं है कि इनकी कोई छोटी मोटी दुकान है, अच्छी मेडिसिन भी हैं, काफ़ी कीमती सामान भी रखे हुए हैं यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे ज्वेलरी वाले भी होंगे, ऐसे ही रहते होंगे भैया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सनी सिग्नापुर में ज्वेलरी शॉप ही नहीं है, इसके बगल वाले गांव में। तो शायद आई थिंक ये आपके लिए एक अच्छी जानकारी हो सकती है भैया, जिसको यहाँ से लेना है ज्वेलरी वो आपको साइड वाले गांव में ही जाना पड़ेगा। ये एक शॉप है, इसमें हमारी तरफ तो शटर रहते हैं, यहाँ शटर भी नहीं देखने को मिलेगा आपको, शटर तो है नहीं। जैसे मैंने आपको कमिट किया था दिखाऊंगा कुछ चीज़, देखो दुकानें हैं, उसके बाद शटर में सिर्फ ये लकड़ी के फट्टे लगा जाते हैं और इसके अंदर कोई ताला नहीं लगता है। तो भाई साहब इसमें फिर ताला नहीं लगाते हैं तो आप क्या चीज़ें लगाते हैं? देखो ये नट ऐसे लगा के चले जाते हैं और नट लगाने के बाद बेसिंत ये आराम से सो जाते हैं। तो मुझे कुछ यहाँ के बताएंगे, अगर कोई बंदा यहाँ चोरी करता है तो क्या हो सकता है उसके साथ? अच्छा, चोरी करने के बाद वो 2 किलोमीटर के बाहर जा ही नहीं सकता है यार, अमेजिंग चीज़ है। और आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 30 साल। भाई देखो भाई साहब बता रहे हैं 30 साल यहाँ यहीं के रहने वाले हैं कहीं बाहर से? और यहाँ पे ज्वेलरी की कोई दुकान नहीं है? अच्छा, ज्वेलरी की कोई शॉप नहीं है। भाई देखो सबसे बड़ी चीज़ है, बड़े बड़े होटलों में तो देखो कुछ इंतजाम होते हैं भाई, इतनी बड़ा मतलब एक है ना, तो उनकी छोटी ही शॉप है और उसमें भी सब सामान मिल रहा है यहाँ पे। उसके अंदर भी देखो मान के चाहे तो कोई भी आ सकता है, वैसे कुत्ता बिल्ली के डर की वजह से उन्होंने लगा रखे हैं ये नट, तो इंसान तो यहाँ चोरी कर ही नहीं सकता है। ठीक है, थैंक यू भैया। और मैं आपको दिखाने आया होटल सनी महात्मा जी, जो देखो होटल का ना ये मेन गेट है यार, इस गेट में मुझे भैया भी दिखाने वाले हैं। ये देखोगे आप, सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी इसके अंदर ऊपर से नीचे तक कोई भी लॉक नहीं है यार, कोई भी लॉक नहीं है, सिर्फ ये है कि बंद कर दिया इन्होंने। चलो अंदर से भी दिखाता हूँ, कोई अंदर से इन्होंने लॉक तो नहीं लगाया हुआ। देखो आप ध्यान से, नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी लॉक नहीं है। गेट लग भी जाए तो दिन में तो यार मुझे ऐसी चिंता नहीं थी कि बंद हो जाऊँगा, क्योंकि लॉक नहीं है। तो यहाँ से अगर कोई बंदा चोरी करता है तो वो
2 किलोमीटर से बाहर जा ही नहीं सकता। अगर इस गांव के अंदर सबसे बड़ी बात है कि कोई ज्वेलरी शॉप ही नहीं है, तो ये मैंने पूरा वीडियो सनी सिंगनापुर आपको हुकुम सिंह ब्लॉग के थ्रू दिखाया। और देखिए यहाँ पे आपको टोकन के थ्रू आपने अगर अभिषेक करना है, तेल चढ़ाना है, तो 500 रुपये का आपको लगता है। चलिए मैं अब नेक्स्ट जो मेरा पार्ट रहेगा इस सीढ़ी का जो ब्लॉग है उसका नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा मैं आपको लेके चलूँगा अभी नासिक और मुंबई। मैंने चीज़ें दिखाई यहाँ पे, एक आपको मैंने ATM भी दिखाया, एक होटल भी दिखाया, कुछ शॉप्स भी दिखाई। तो ये था मेरा सनी सिंगनापुर ब्लॉग। और मेरे को जो ब्लॉग है ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। थैंक यू।